गाइस वेलकम बैक इन इंजीनियर साइल का ज्ञान। आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं इमेज सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन से ही पता चल रहा है कि अपन डिवाइड करने वाले हैं किसी भी डिजिटल इमेज को। तो इमेज सेगमेंटेशन के अंदर क्या हो रहा है, इट इज सब डिवाइजेस एन इमेज इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट रीजन ऑन द ऑब्जेक्ट, यानी पर्टिकुलर कोई प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग अपन क्या करें किसी रीजन को डिवाइड करें। लाइक फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ पिक्चर ऑफ दिस एंड वी आर गोइंग टू डिवाइड इन दिस फोर टाइप्स, ठीक है। तो चार भागों में अलग अलग अपन ने इसको डिवाइड कर दिया। ऑन विच बेसिस, हो सकता है कलर के बेस के ऊपर अपन ने इसको डिवाइड किया हो सकता है, इंटेंसिटी के बेस पर, या हमने कोई अलग लाइक ब्राइटनेस हो गया, कॉन्ट्रास्ट हो गया, तो इनके अलग अलग बेसिस के ऊपर अपन ने इसको डिवाइड कर दिया। एक तो ये चीज़ होती है, एक ये होती है कि सेम चीज़ आपको देखने को मिल रही इमेज में, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप सेगमेंटेशन अप्लाई कर सकते हो। और सेगमेंटेशन का एक बेनिफिट यह है कि सेगमेंटेशन एक्यूरेसी डिटरमाइन द इवेंचुअल सक्सेस और फेलियर ऑफ द कंप्यूटराइज्ड एनालिसिस प्रोसेस, यानी कि अपन इसके थ्रू डिटरमाइन कर सकते हैं कि कोई चीज़ कितना सक्सेस हुई है, कितना फेल हुई है कंप्यूटराइज्ड के केस के अंदर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यूज ऑफ द इंफ्रारेड इमेजिंग बाय द मिलिट्री टू डिटेक्ट ऑब्जेक्ट विद अ स्ट्रॉन्ग हीट सिग्नेचर। लाइक अपन इंफ्रारेड इमेज अप्लाई करते हैं, तो जैसे कि अपन किसी इमेज को अगर वो कन्वर्ट करते हैं, तो वो देखो जैसे कोई आदमी वेपन लेके खड़ा है तो वो रेड रेड कलर में आदमी दिख जाएगा। पहली बात अपन देखते हैं मूवीज के अंदर भी देखने को मिलता है, इंफ्रारेड अपन जब भी अप्लाई करते हैं किसी इमेज वीडियो के ऊपर और हाथ में वेपन होगा तो वो अलग से शो करने लग जाता है इंफ्रारेड के अंदर। लाइक आपने पॉकेट में डाल रखा है, बाहर से नहीं दिख रहा है, लेकिन इंफ्रारेड उस पर अप्लाई करोगे तो आपको पॉकेट के अंदर जो जो सामान है वो दिख जाते हैं। तो वही है ये इमेज सेगमेंटेशन की प्रोसेस। इसको करने की दो अप्रोच है, एक तो रीजन अप्रोच होती है, एक होती है बाउंड्री अप्रोच। रीजन अप्रोच के अंदर क्या होता है, जैसे कॉमन प्रॉपर्टीज होती है उसके अकॉर्डिंग ग्रुप बनाए जाते हैं, और इसके अंदर क्या होता है बाउंड्री के अंदर जिसके अलग अलग पैरामीटर्स है, लाइक इंटेंसिटी के बेस पे तुमने अलग डिवाइड किया गया है, कलर्स के बेस पे तुमने अलग अलग डिवाइड किया, तो उनकी अपनी अपनी एक बाउंड्री बन गई है, तो वो एक बाउंड्री अप्रोच के अंदर आता है, और ये आपका रीजन। अब इसी बाउंड्री को अपन है ना डिसकंटिन्यूटी भी बोलते हैं, ठीक है। अब इस बाउंड्री अप्रोच या डिसकंटिन्यूटी अप्रोच को परफॉर्म करने या डिटेक्ट करने के लिए तीन चीज़ होती है, एक होता है पॉइंट, एक होता है लाइन, एक होता है आपका एज। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर अ पॉइंट एंड लाइन, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डू दैट एज, क्योंकि एज एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, उसको डीपली हमको पढ़ना पड़ेगा। बट पॉइंट एंड लाइन के ऊपर मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। फर्स्टली व्हाट इज द पॉइंट डिटेक्शन। पॉइंट डिटेक्शन का मीन यहाँ से ये समझ सकते हो कि अपन को एक ऐसा आइसोलेटेड पॉइंट ढूंढना है जिसका ग्रे लेवल सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम इट्स बैकग्राउंड इन अ होमोजीनियस एरिया, यानी कि एक एरिया है जिसके अंदर काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं। लेट सपोज दिस इज योर एरिया एंड इन विच वी हैव द सो मेनी पॉइंट्स, एंड यू फाइंड देर इज सम अदर आइसोलेटेड पॉइंट दैट इज वेरी यूनिक फ्रॉम अदर द थिंग्स, सो दिस इज हाउ वी विल डिटेक्ट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। सो दिस इज योर पॉइंट डिटेक्शन, एंड हाउ कैन वी डू दैट, वी वॉन्ट फॉर। अब अपन को कैसे पता चलेगा कि यही वो डिफरेंट पॉइंट है, उसके लिए हमारे बस पहले से ही एक मास्क या प्रॉपर्टी होनी चाहिए जिसके अंदर आप आइडेंटिफाई कर दीजिए कि ये वाली प्रॉपर्टी मैच करे तो हम उस वाले पॉइंट को बाहर निकल ले। अभी एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं, लाइक दिस एज यू कैन सी दिस इज योर मार्क्स। तो मार्क्स आपका इस तरह से आता है, 3x3 में आता है ऑलवेज, ठीक है, और ये आपकी पर्टिकुलर इमेज है जिसको आपको 3x3 में डिवाइड कर रखा है। अब इसको इनसे मल्टीप्लाई करते हो तो आप रेस्पॉन्स ऑफ मार्क्स फाइंड आउट कर सकते हो। 1 से 9 ले रखा है, ठीक है, एंड डब्ल्यू आई मल्टीप्लाई बाई जेड आई, इससे आपको रेस्पॉन्स मिलेगा। अब ये इसका मॉड्यूलस लोगे आप और उसकी वैल्यू टी या टी से बराबर इक्वल या उससे ग्रेटर देन है, जहाँ पर आपका टी क्या होगा नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा, तब वो पॉइंट आपका क्या हो जाएगा डिटेक्ट हो जाएगा। तो ये एक रूल है पॉइंट डिटेक्शन का, इस तरह से ही फाइंड आउट होता है कि वैन इफ़ योर आर मॉड्यूलस इज ग्रेटर देन इक्वल टू टी देन ए पॉइंट इज डिटेक्टेड वेयर टी इज ए नॉन नेगेटिव इंटीजर। अब इस मार्क्स का एक सैंपल आपको बता देता हूँ, लाइक दिस ये होता है एक सैंपल है, देख लीजिए इन सब की W की वैल्यूज है, माइनस 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 एंड मिडल वाला आपका सेंटर वाला 8 होता है। तो दिस हाउ यू कैन परफॉर्म। मार्क्स की वैल्यू आपको गिवन एक तरह से सैंपल याद रखना, और इमेज की है इसे आप फाइंड आउट कर सकते हो रेस्पॉन्स ऑफ मास्क। सिंपली आगे चलते हैं लाइन डिटेक्शन की ओर। सो बेसिकली इन अ लाइन डिटेक्शन द फोर टाइप ऑफ मार्क्स आर यूज टू गेट द रेस्पॉन्स, दैट इज वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, प्लस 45 डिग्री, माइनस 45 डिग्री, फॉर R1, R2, R3 एंड R4। देखो लाइंस जो होती है लाइन के बेसिस पे आप किसी भी चीज़ को डिवाइड कर रहे हो या डिटेक्ट कर रहे हो, तो लाइन कैन बी हॉरिजॉन्टल, कैन बी वर्टिकल, कैन बी एट 45 डिग्री, कैन बी ऑफ माइनस 45 डिग्री। सो दिस इज हाउ वी कैन डिवाइड द लाइन सेगमेंटेशन। और तो इसका रेस्पॉन्स है जो आपके R1, R2, R3, फॉर रेस्पेक्टिवली इन चारों के लिए है। सो हॉरिजॉन्टल के केस में क्या हो गया, माइनस 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 हॉरिजॉन्टल में, वर्टिकल में इधर माइनस, ठीक है, और
45 डिग्री पर इस तरह से आपका डायगोनल आ गया, ठीक है। यहाँ पे इनवर्स डायगोनल आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। बस यही डिफरेंस और कुछ नहीं है। आपको 2-2 पर फोकस करना है, हॉरिजॉन्टल में ऐसे, वर्टिकुलर में ऐसे, इसमें 45 डिग्री में ऐसे, -45 डिग्री में इस तरह से। इसका फॉर्मूला वही सेम रहेगा रेस्पॉन्स ऑफ मास्क के थ्रू, ये सब आपके एक तरह से R1 R2 R3 मास्क की वैल्यू है। ओके, एक वन मोर थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड बिफोर टू जंप इन टू द एज डिटेक्शन, दैट इज एट अ सर्टन पॉइंट इन द इमेज R5 मॉड्यूलस इज ग्रेटर देन इक्वल टू R J, वेयर ओ फॉर ऑल द J इज नॉट इक्वल टू I, दैट द पॉइंट इज सेड टू बी मोर लाइकली एसोसिएट विद द लाइन इन डायरेक्शन ऑफ द मास्क I, दैट इट इज द थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट वेन यू आर फाइंडिंग द रेस्पॉन्स ऑफ द मास्क, when this condition is satisfied, it means that the line is associated with the direction of the mask I. That's a simple as possible, associate with the line in the direction of mask I. Okay, so this is the edge detection that will cover up in the next video. So make sure next video जरूर देखना, because the edge detection is also important from exam point of view. Okay, so channel को subscribe नहीं किया तो please subscribe and share with your friends groups. Okay. तो जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, एंड वीडियो पसंद आ रही तो एक लाइक तो बनता है।